थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में, मैं आ रहा हूँ। एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर राम मंदिर को लेकर जो माहौल बन गया है भक्तिमय का, दोस्तों अमेरिका का टाइम स्क्वायर हो, सैन फ्रांसिस्को हो, कैलिफोर्निया हो, या फिर भारत के अंदर मुकेश अंबानी जी का घर हो, या फिर राम मंदिर हो, हर जगह भक्ति का माहौल है। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें, इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आओगे। यहाँ से ब्रेन वॉश होके लोग जाते थे, जो लोग कनाडा जाके ब्रेन वॉश हो जाते थे बड़ी संख्या में, मैं कतई बिल्कुल भी नहीं कहूंगा पूरी कम्युनिटी को, मगर धीरे धीरे ये सच है कि आज से 20 साल 30 साल पहले जितने लोग सिखों में खालिस्तान की तरफ झुकाव रखते थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे जो है खासतौर पर जो विदेश में कनाडा गए हैं उनमें ज़्यादा बढ़ी है। भारत में तो खैर धीरे धीरे ही बढ़ रही है, मगर वहाँ पर कनाडा में ज़्यादा बढ़ती उनको नज़र आती है। अब इन सब चीज़ों से नुकसान किसको होगा, जब ये यहाँ से 41 डिप्लोमेट भगाए गए ना, निकाले गए हैं भारत से कनाडा के, उसके बाद अकल आ गई कनाडा को, उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है अब खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ने मत दो, ये बढ़ेगा तो नुकसान जो है वो कनाडा को ही ज़्यादा होना है। और भारत की इसमें जिस तरीके की डिप्लोमेसी भारत ने बना ली है, भारत उसमें ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है कि उसमें कनाडा फंस के रह जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें भी इनको होने वाली, इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये सब किया जा रहा है। अभी आप देखो तो अभी भी ट्रूडो को भी ये बात समझ में आ गई कि दुनिया ने तो साथ नहीं दिया, उसके ऊपर ये इसराइल फिलिस्तीन वाला मामला हो गया और ये कनाडा वाला मुद्दा जो है वो दब गया, कोई आज पूछने को तैयार नहीं है कनाडा को कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं हो, तो हम इंडिया के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे, सब इस समय पीछे हट गए। जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थे कई सारे, उनसे उम्मीद थी ट्रूडो साहब को कि ये भाई खालिस्तान के नाम पर हमको सपोर्ट करेंगे, वो भी अब फिलिस्तीन के मामले में लग गए, वो भी सपोर्ट करना बंद हो गया। तो इनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो यहाँ पर लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें से बहुत सारे लोग जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों को आने से ही रोक दो तो धीरे धीरे ही सही, मगर ये चीज़ जो एक पनप रही है, भारत खिलाफ वाला माहौल बन रहा है, उसमें कनाडा भी बदनाम होता है, ये चीज़ धीरे। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें आप, तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पर देखा है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पर कोई नई चीज़ हो रही है, ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग, ये एक चीज़ है, अगर वो इतना ज़्यादा इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ आपको पता है कि वो ये बातें ज़रूर हो रही हैं, आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा। देखिए इनमें से कोई एक इंडिकेटर, हाँ इसमें सोसाइटियल जो चैलेंजेस वो ज़रूर इमर्ज होंगे, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव मुल्क के अंदर आ जाता है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब अगर वो उसको वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं, दे कंसीडर दैट दिस इज़ द हॉलीएस्ट सिटी, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, तो देन लेट इट बी, उनको करने दें, इसमें हमें इन सी चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। यारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी, और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है, प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चल के चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा इन नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है। और नवरात्रि मनाया है, बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की राम जी से, उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है, और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है, और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ।
और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है, जबरदस्त। वहां का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है। जब भी कोई वर्ल्ड में बड़ा इवेंट होता है तो टाइम्स स्क्वायर के अंदर जरूर उसकी तस्वीरें दिखाई देती हैं, और अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के अंदर ये झलकियां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इंडिया में छोटे बड़े 40,000 टेम्पल्स तोड़े गए थे नॉर्थ इंडिया में। इवन पाकिस्तान के भी अगर रिकॉर्ड को उठाकर देख लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहां मॉस्क बना दी गई है। और मजे की बात ये कि इस चीज के ऊपर कोई नहीं बोलता कि हमारे बड़े से बड़े मंदिर के सामने एक छोटी सी सही लेकिन मस्जिद बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में जब आजादी आ गई तो कहा कि मिलिट्री और ये आर्मी को बंद कर दो, पुलिस की जरूरत है, हमें किसी भी तरीके के आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत नहीं है। तो 1962 में भारत चाइना से बुरी तरीके से हारा, बुरी तरीके से हारा। इसलिए नहीं कि भारतीय लड़ नहीं सकते थे, इसलिए कि भारत की गद्दी पे बैठा हुआ जो शासन था वो ये महसूस करता था कि हमें हथियारों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज याद यानी कराऊं कि हम तो ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा। तो हमारा जो पाकिस्तान बना है ये कलमे की बिना पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा। और हमारे मुल्क का नाम जो परचम है उसका भी मतलब है ला, क्योंकि सफद और सफेद जमन, अमन अमन और बेरोजगारी। यहाँ पर बात आया हमारे दीन का, इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे पीटीआई से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है, देखो ये हिंदुओं की साजिश है। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें, इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आओगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े हैं। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। आज जो हुआ है, कल 22 जनवरी इज एन इंडिपेंडेंस डे फॉर द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। कल 22 जनवरी एक स्वतंत्रता दिवस है भारत की अभिमान के लिए, भारत के कॉन्शियसनेस के लिए। कम से कम पाकिस्तान या बाबरी मस्जिद का नाम ना ही ले तो बेहतर है। अभी आपके यहाँ जो शारदा पीठ है उसे आपने कॉफी होम बना दिया है, कैफे बना दिया, कॉफी पीने की जगह। आपके यहाँ हिंगलाज माता के मंदिर का क्या हाल हुआ है? सिंध में एक मंदिर था उसका क्या हाल हुआ है? इस्लामाबाद की इकलौता मंदिर है उसका क्या हाल हुआ है? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख के करीब छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। पाकिस्तान में आप कितने मंदिरों के नाम बता सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। 41 डिप्लोमेट क्या बाहर फेंके गए भारत से। यूं लगता है कि कनाडा को भी अब अकल आ गई है, कनाडा को भी अब अकल आ गई है कि जो ये पूरा का पूरा काम किया था अब बहुत ही मुश्किलें हो रही। इसमें सोची थी कि अच्छा कुछ होगा, फायदा होगा, मगर लेने के देने पड़ गए। और एक तो वैसे भी जो इसको उम्मीद थी जिस लिए ये सब किया था, एक बहुत बड़ा कारण ये था इस बातों का कि कनाडा की ये सोच है, ट्रूडो की ये सोच थी कि जो खालिस्तानी लोग हैं उनका अच्छा दबदबा है कहाँ पे, कनाडा में, यूके में, यूरोप की कुछ अन्य देशों में, अमेरिका में भी थोड़ा अच्छा खासा था, कनाडा से तो नहीं मगर अमेरिका में अच्छा खासा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा। कनाडा के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर खालिस्तानी लोग पाए जाते हैं तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो अब इन 4-5-6 देशों की, जैसे इनको लगा था कि हमारे यहाँ पर इतने लोग सत्ता में भी शामिल हो रहे हैं, ट्रूडो की पार्टी में भी कितने खालिस्तानी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, आपको ये बात पता होगी शायद, मंत्रिमंडल में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो इन सब चीजों के बाद इनको ऐसा लगा था कि जब यहाँ पे इतना है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में और बाकी जितने इस टाइप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब भी हमारे साथ आ जाएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे और शायद करते भी,
शायद चलो मान लो ये एक तो नहीं, मगर कुछ एक 4-5-6-7-8 देश थे जो सपोर्ट करते, कुछ इस्लामिक देश से इनको उम्मीद थी। और जो एक कनाडा है वो एक अच्छे उसमें थोड़ा सा लीडर बन के उभरता, मगर इसी बीच में जो इसराइल फिलिस्तीन का विवाद हो गया, इसकी वजह से और दरवाजे बंद हो गए। पहले भी कुछ नहीं थे, मगर जो एक दिए बुझते दिए में जो थोड़ी सी आंख बाकी होती है ना, थोड़ा बहुत 10-5% इनको थे सपोर्ट मिल जाता, और मिल ही जाता मुझको भी ऐसा लगता है कई, क्योंकि कई सारे इनके मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया भर की जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, चाइना से लेकर अमेरिका से लेकर बहुत सारे कहने को नाम है, इस्लामिक देशों में कई सारे हैं जो भारत को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, कैसे किसी भी तरीके से, वो खालिस्तान के नाम पे टूटे, वो जाति के नाम पे टूटे, वो भाषा के नाम पे टूटे, देखना चाहते हैं। मगर आखिरकार होता क्या है, ये जो बैन लगाया है कैनेडा ने भारतीयों के वीजे रोकने का जो काम किया, इससे सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी प्रभावित होगी, आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा क्या इससे उत्तर प्रदेश वाले प्रभावित होंगे, क्या इससे राजस्थान वाले प्रभावित होंगे, क्या इससे बंगाली प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा पंजाबी लोग ही हैं जो कनाडा जाते हैं। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि पंजाबियों में या सिखों में सब खालिस्तानी, तो कतई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मगर सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ से ही ब्रेन वॉश हो जाते हैं, कुछ आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ लोग यहीं पे बैठे बैठे पंजाब में बैठे बैठे ब्रेन वॉश हो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जाके और ज़्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और वहाँ जाके क्योंकि और भी संगठन मिल जाता है, सत्ता का भी शासन का भी डर नहीं है, कम से कम शासन सत्ता का डर है, तो और वो खालिस्तानी जो बीज है वो पनपता है। अब उसमें जो है वो धीरे धीरे आप देखिएगा कैसे कमजोरी आएगी आने वाले समय के साथ में।